अरे आइए बहन जी आइए। भाईचान जी, आपके पास बढ़िया जरदोजी वाला लहंगा मिलेगा? अरे क्यों ना मिलेगा भाई, क्यों ना मिलेगा, पूरी दिल्ली में मेरी दुकान से ही तो माल जाता है। अभी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। अरे इलायची, ये दरजोजी वाला लहंगा यहाँ रहता कहाँ कहाँ गया? मुझसे तो पूछ के नहीं गए, आपसे पूछ के गया तो पता नहीं। कैसी बातें कर रही है बेकार की, है? यहीं तो रहता था। अरे ये ले, यहाँ रखा है, किसने रखा? मैंने, तो ये मेरा है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इस घर से निकल कर तू सीधी पेड़ पर जाकर रहने लगा है, क्या फर्क पड़ता है? बात कर रही है बेकार की। ये लीजिए। ये कैसा तरीका हुआ लहंगा दिखाने का? क्यों, लहंगा बेच रहा हूँ, चूरन थोड़ा ही बेच रहा हूँ, जो आपसे कहूंगा पहला थोड़ा सा चख लीजिए। भाईचान, आपकी दुकान में ना एक बहुत अच्छा लड़का काम करता था, वो बहुत बढ़िया तरीके से ना लहंगे दिखाता था। आप एक काम करें, उसे ही बुला ले, हम उसी से लहंगे लेंगे। वो क्या नाच नाच के लहंगे बेचता था? बात कर रही है आप ही बेकार की है। मैं यहाँ कितने सालों से ये लहंगे की दुकान कर रहा हूँ, वो कल का छोकरा था। जो भी हो, हम लहंगे उसी से लेंगे। जीजाजी होते तो बेस्ट लहंगे बेचते। प्रणाम सर जी, कैसी हैं आप वही है ना? हाँ, हमने आपको पहचान लिया जी। तो ये देखिए, ये जो लहंगा, तू बीच में क्यों घुस रहा है? मैंने तो उससे कहा था, क्यों चल, तू निकल यहाँ से, चल बीच में मत आ, चल जा। जी, एक मौका दे दीजिए, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकते। अरे तेरे आने से मेरी परेशानी बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ तू जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल ना देखना चाह रहा हूँ। देख, अगर ना जाएगा ना तो तेरे पैर तेरे हाथ में होंगे, उन्हें लेकर जाएगा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल, चल सेठ जी भाई बन के, मैं कह रहा हूँ निकल, मैं कुछ ना देखना चाह रहा, चल जा रहे जा रहे जा रहे, तुम्हारे शक्ल मत दिखाइयो अपनी, जा रहे हैं। पापा क्या किया आपने? तू बीच में मत बोल, बता रहा हूँ, भाषण मत दे यहाँ बैठ के। भाषण देने वाली, भाषण ना सुनने आए हम यहाँ, हम चलते हैं। क्या कर रहे, पंचम लग जाएगा, पंचम लग जाएगा, मान जाए मेरी बात, छोड़ ना। अरे न, 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 अरे अबे भाई, मेरा चाकू वापस दे दे यार। मैं साली तुझे अपने चाकू की पड़ी है, छोड़ पिंटू, मैं हमेशा हमेशा के लिए ना ये किस्सा ही खत्म कर दूं। अरे छोड़ ना, तेरे नाम, तेरे नाम, रुक रुक। अरे जीजाजी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अरे ऐसा थोड़ी होता है, स्टॉप। अरे भाई मेरे चाकू के साथ कुछ उल्टा सीधा मत कर ले भाई, दे दे भाई, दे दे। साले कैसा घटिया आदमी, साले यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी जिंदगी की, तुझे अपने चाकू के पड़े, भाग यहाँ से। जीजाजी शांत हो जाइए यार, दिस इज नॉट फेयर, कंट्रोल कर लो। सेल्फी, हाँ ले लो ले लो। लाइजी जी बहुत हो गया, अब जान जाके रहिए। नहीं जीजाजी, अगर मेरे पापा का एक भी बाल बाका हुआ ना तो आपकी अगली सात पुश्तना घर से पैदा होंगी। इलायची जी, इसमें आपका पाप कहाँ से आ गया यार? हमारा मतलब है आपके पापा। अरे यार इलायची, चाकू इसने आपके पापा की जान लेने के लिए नहीं, अपनी जान देने के लिए उठाया है। ओह, थैंक गॉड, तो फिर ठीक है। मेरा भैया चाय। सब सही है मतलब? आपको चलेगा? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है थैंक गॉड क्या पापा पे गुस्सा नहीं हो। और एक बात बताओ, क्या आपके जान देने से पापा आपको नौकरी पे वापस रख लेंगे? रबिश। एग्जैक्टली, बड़े कायरों वाले काम करो जीजा जी आप, मतलब आप एलो की मूवी के ना हीरो हो, आपको जान बचानी चाहिए, देनी नहीं। सुनो, तेरे दिमाग में क्या पटाखा फूटा है, तेरे मुंह में रसलाई है?
मैंने क्या किया? क्या किया? अरे यार सुनो की बातों से ना मेरे दिमाग में एक बड़ा ही बढ़िया आइडिया आया है, जिससे पापा ना पालकी में बिठा के ना आपको सीधा घर पे ले जाएंगे। वो कैसे? अरे यार वो ऐसे देखो जीजा जी, आपको ना पापा के सामने एकदम हीरो बनना है, कैसे भी करके उनकी जान बचानी है, और फिर उसके बदले में वो आपको वापस नौकरी पे रख लेंगे, आई एम श्योर। अरे एलाइची जी, हम जान कैसे बचाएंगे यार? अरे वो हम बताते हैं कैसे बचाएंगे। देखो क्या करते ना, किसी बहाने ना सेठ जी को जंगल में ले जाके छोड़ देते, और फिर वहां जब शेर आके उन पे झपटे, उन्हें खाने के लिए झपटे, तो तू बीच में आ जाइए, मार मुक्का शेर को भगा दिए, भाई सेठ जी बच जाएंगे, तू हीरो बन जाएगा, अपना भी काम 35। यू लव हिम एनीवे। तो रियल आइडिया जो मेरे पास है, हाँ, थोड़ा फिल्मी है लेकिन आई थिंक वर्क कर जाएगा। तो बताइए पिंटू जी, गुंडे बनके अटैक करेंगे पापा पे, और आप हीरो बनके एकदम हीरो वाली एंट्री मारना और पापा को बचा लेना, और हम सबका काम बन जाएगा। हाँ ठीक है ना? क्या डन, मतलब जो मेरी कुटाई करके हीरो बनेगा? हाँ ना, थोड़ी मार तो उसके काम नहीं आता ना, हमेशा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ तो, है ना? अरे साले वैसे भी तो रोज पिटता ही है। हाँ तो एलाइची जी बताइए, कहाँ गिरना है आपके बाप को? मतलब आपके पिता श्री जी को। तो सुनो, ठीक है, दो पापड़ी चाट जल्दी। अरे सेठ जी, नाखून ना काटे तुमने? अरे काटने का टाइम कब मिल गया है? अरे मेरे शरीर में जितनी भी गांठें हैं ना, उन्हें यार तू मालिश करके जो खोल दे। दुकान के काम से बहुत चूर चूर हो जाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। सेठ जी तुम गांठों की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे शरीर को इंजन की तरह खोल के पुर्जा पुर्जा करके सड़क पे बिछा सकता हूँ, पीस पीस ऑन द रोड। व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग? कूलर खा गए? सेठ जी एक बात बोलूं? हाँ। इतनी परेशानी हो रही है तो बुला लो ना लड़के को वापस। ना 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 ना, ना बिल्कुल ना 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 ना। तुझे पता ना है, मेरी दुकान और मेरे घर की लक्ष्मण रेखा वो लांग चुका है, अब मैं कभी ना उसे वापस बुला सकता। यार ये पिंटू जी कहाँ रह गए? पापा तो मालिश करवा के निकल भी जाएंगे अब। अरे यार एलाइची जी, एक नंबर का फट्टू है साला, कहीं वापस ना लौट गया। एक्सक्यूज मी, पिंटू जी ना बहुत मैचो मैन है, ठीक है? कहाँ रह गया साला? आगे आगे आगे। सेठ जी, तुम चिंता मत करो, गांव से हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़का आता रहता है कूलर खा के। कोई अच्छा लड़का मिलते है तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। चल ठीक है। अरे ओ सेठ, अरे हट जा, मारी मालिश होगी। लॉल, फ्रॉम विच ट्री यू फॉल? कौन से पेड़ से गिरा है भाई? एक बार सुन ले, अभी सेठ जी मालिश करवा रहे हैं, एंड ही इज माय लाइफ टाइम अचीवमेंट कस्टमर। तो साइड में वेट कर, आई एम वेरी बिजी नाउ, कूलर खा गए। थारी इतनी हिम्मत, तने मारे को भेंट करने को बोला? अरे को इंतजार करने की आदत ना है। अरे ना ना, देखो मुझे मालिश ना करानी, तुम करा लो भैया, तुम करा लो। सेठ, मारे को एहसान की जरूरत ना है, अब मारे को मालिश ना करानी है, अब तो हमारी बंदूक चलेगी, कुरुक्षेत्र बना देंगे, कुरुक्षेत्र जाएगा। जीजा जी चाहिए? हाँ। अरे नहीं एलाइची जी, अभी नहीं, अभी माहौल थोड़ा और गर्म होने दीजिए, सेठ जी को थोड़ा और घबराने दीजिए, फिर उसके बाद जब हम हीरो वाली एंट्री लेंगे ना, उसका अलग ही मजा होगा। खोपड़ी मारेंगे वाली? अरे ना 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 ना, तो काला मारेंगे? अरे कहीं 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 ना ना। अरे पिंकी जी के इलाके में गुंडा गर्दी है, पिस्तौल तो भाग ले। मेरा मतलब है भाग के पुलिस फोर्स बुला ले। जीजा जी चाहिए? हाँ। अरे नहीं एलाइची जी, अभी नहीं, अभी माहौल थोड़ा और गर्म होने दीजिए। हंगी लाल, तू भूल रही है कि हम ही पुलिस हो रखे हैं और हम ही हो रखे हैं फोर्स। अब तो देख, ये गुंडा जो है ना, हमारे इलाके से जाने वाला नहीं है, बच के पिंकी जी इसका क्या हाल करते हैं अभी।
नहीं ये नहीं, तो ये रख उधर चल। अरे अब तो जाओ। हाँ लैसी सही कह रही है। हाथ नीचे कर ले बाबा, नाक तो मारेंगे। अरे ला दे। हाँ भाई क्या हो रही है यहाँ? अरे तेरी तो मामला उल्टा पड़ गया। अरे कम से कम पिंटू जी को तो बचाओ, जाओ। पापा पापा रुके ना, कहाँ भेज रही हमें लाइसी जी? अगर दरोगा साहब ने हमें पकड़ लिया तो हमें सीधा जेल में डाल देंगे यार। सीरियसली जीजा जी? सीरियसली तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? लाइफ में टंटे वो रखे हैं। इलायची के पापा जल्दी आओ, खाना लग गया है। बस ओहो इलायची के पापा कितनी देर लगा दी, खाना भी ठंडा हो गया। और यहां मैं जो ठंडा हुआ जा रहा हूं वो ना सोच रही तू? जी जी यकीन ना करेगी, मेरी खुद की दौड़ भाग इतनी हो जाती है कि मेरे शरीर का एक एक बाल तर हो जाता है। तो यकीन ना करेगी इतनी दौड़ भाग करना पड़ती है मुझे। अबे ओए जेल से भागने को दौड़ भागना कहते हैं, चल रहा तू? अरे पर तुम क्यों अपना खून जलाए जा रहे हो बेकार में? हमारे को पैसे की कौन सी कमी है? जी जी पैसे कहाँ पड़ा हुए हैं पैसे? तुम क्या पूछ रहे हो चटंकी भैया? मैं तो भागे फूट गया। ये सब छोड़ो पापा, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखिए ना, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरी सेहत को कुछ ना बिगड़ा। अरे तो कोई मेहनत कहते हैं? मेहनत तो जो है मेरे दादाजी किया करते थे। पता है? आधा चांदनी चौक उन्होंने अपने बल पे बनाया। शर्ली पापा? अरे मतलब पूछ मत, धूप में एकदम दोपहरी उसमें हाथ गाड़ी ऐसे हाथ से खींच के माल यहां से वहां पहुंचाया करते थे। अपने मतलब पसीने से उन्होंने अपनी किस्मत की लकीर चमकाई। मतलब इतनी मेहनती से दादा जी? That's so great, पापा। अरे मेहनत, अरे क्या मेहनत। ओ, 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 ओ। एक बार दादा जी हाथ गाड़ी खींच के ऐसे दोपहर में ले जा रहे, लू चल रही थी तो पता है ऐसे जा रहे और धड़ाम से जमीन पे गिरे। अच्छा दादी को पता लगा, वो दौड़ के गई मटका लेके एकदम, उन्होंने मटके से अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाया। इसे कहते हैं मेहनत। अरे बाप रे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ दुकान पे बैठ के, ये कोई मेहनत है? अरे हराम खोरी है, हराम खोरी। ना ना इसे हराम खोरी कहाँ कहते हैं, इसे तैयाशी कहते हैं। साफ सी बात है भैया। कितने मेहनती थे मेरे दादा ससुर, मेरे तो भाग ही खुल गए। <दादा जी। laughs> पापा चुप हो जाइए। दादाजी तो एक गिलास पानी ना पिला सकती मुझे? दादी ने देख दादाजी को कैसे मटके से पानी पिलाया अपने हाथों से। खाली है बस देख रही है ये ना अपने हाथों से मुझे पानी पिला दे। आराम से
अरे संभाल के संभाल के संभाल के, बच गए। जी जी यार यकीन ही नहीं हो रहा है, अपने घर में ऐसे चोरों की तरह आना पड़ रहा है। रिलैक्स जीजाजी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे धमाल होते रहते हैं। आप ये लीजिए। ये चाबी कहाँ से मिली आपको? अरे भाई कैसी बात कर रहा है यार, तेरे सामने वो स्त्री खड़ी है जो तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकती है, जंगल से शेर पकड़ के ला सकती है, चाबी की क्या औकात है। एलाइची जी, आप हमारे लिए कितने जोखिम उठाती, हमें कभी कभी सच में समझ में नहीं आता है कि हम आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करें। ओ, बीवी से इतना मासूम सवाल। जीजा जी, बीवियों को ना ये जो थैंक यू बोलने वाले ना, वो वसूल करना बहुत अच्छे से आता है। क्या ना, दिवाली आने वाली है, बढ़िया से आपकी जेब कटेगी अब देखना। जरूर इलायची जी, आप अच्छे से काट लीजिएगा। पर इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया तो? ओह यार, आपको कौन से ढोल नगाड़े बजाने, बरसाती में सोने के लिए तो आए हो बस। ओए भाई सुन, अपने नाक पे स्टेपलर लगा लियो समझा, वरना वो बिना साइलेंसर के मोटरसाइकिल की तरह ना तेरे खराटे निकलते रहते। तो भाई बिल्कुल चिंता ना कर, एकदम बेखबर है, मैं ना एकदम सांस थाम के सोऊंगा, मेरी जान भले निकल जाए लेकिन खराटा ना निकलने दूंगा। मारा मर जा दरोगा पिंकी। इतनी भी टेंशन मत लो यार, पिंपल्स निकल आते हैं, देखो ना कुछ भी निकला है। इलायची जी आपको कोई टेंशन है? हाँ आप ही तो टेंशन, जल्दी चलो। इलायची जी आप टेंशन देती नहीं है, लेती है, मतलब लेती नहीं है, देती है। पिंकी साले मर जा दरोगा, पिंकी तो बैठाई नहीं भाई। चुप रहे यार, आवाज चले जाएगी। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। इतनी रात को तुझे तारे गिनने का सरकारी ठेका मिल गया है और तूने मुझे बताया भी ना। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? तो क्या रात को ऊपर छत पर कंचे खेल रही थी? एक मिनट, ये बरसाते की चाबी के साथ क्या कर रही थी तू? वो मैं सो रही थी ना, तो मुझे आवाजें आ रही थी ऊपर से छत से, तो मैंने सोचा कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं, तो मैं चेक कर लूं जाके एक बारी। अरे मेरी बेटी इलायची बेटा, जहां माल मिलने की उम्मीद होती ना, चोर भी अपनी मेहनत वहीं पे जाया करते हैं। अब ऊपर क्या बचा है? ऊपर तो पिंटू जी की मोहब्बत के अलावा, यादों के अलावा और क्या रखा है ऊपर? हमें मालूम है चीज के बारे में। हाँ सही कह रहे हैं एकदम, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। चलिए चलिए, सब चलिए यहाँ से। ना ना ना, एक बार अब देखो, दिमाग में बात घुस गई है तो एक बार जांच पड़ताल करने से क्या फर्क पड़ता है, एक बार कर ही लेते हैं जांच पड़ताल। जा जाकर डंडा ले आ जा। डंडा? हाँ। डंडा क्यों लेके आ जा मेरे भैया? चोर है कोई रूई का गद्दा थोड़ी ना, जो तुम उसे धन दोगे फालतू की बातें कर रहे हो यार, दिमाग खराब कर ला रहा हूं मैं। पापा सुनिए, कोई जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है ऊपर, आप चलिए ना यहाँ से। अरे ना ना, देख देख, हमें पता है कि ऊपर कुछ भी ना है, लेकिन चोर को थोड़ा ही पता है कि ऊपर कुछ भी ना है। चल चल के देख रहे हैं, आजा। ठीक है मैं भी चलती हूँ फिर, चलो। ना ना, तू ना जाएगी, तू जाकर चुपचाप से सो जा, मैं और तेरा मामा ऊपर देख लेंगे जाके। जा जा तुम, देखिए दिमाग खराब हो गया मेरा यार, क्या पक दिया मैंने। ला चाबी दे, जा 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 तू जा। डंडा चल झटंगी, मैं डंडा तू पकड़ के चल, और आगे चल चल ना, तुम ही चले जा, चल। अच्छा ऊपर? हाँ चल भाई, सो जाते हैं। अब उस टाटी की तरफ मत जाइयो। क्यों? अरे यार चोर पकड़ने आयो तो चोर है
ऐसी जगह पे छुपते हैं, तुम भी दिमाग रखे ना तुम्हारे पास में। भाई दिल्ली की सड़कों पे घूम घूम के ना कान बजने लगे, ऐसा लग रहा साला जैसे कोई ताला खोल रहा हो। सुन साले सच में कोई ताला खोल रहा है। हाँ? कौन है साला जो खोल रहा है ताला?